बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने लास्ट जो था चैप्टर्स जो हमारे पास गैसियस एक्सचेंज का था, उसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जिसको आपने रिटन फॉर्म में अपनी नोटबुक पर लिखना था। और अब जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेज विद द एनवायरमेंट। इसका सॉल्यूशन आपको पेज नंबर 2 पे मिलेगा। पेज नंबर 2 पे आपको यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स मिलेगा, या प्लांट हैव नो ऑर्गन से आप स्टार्ट करेंगे। और पेज नंबर 3 के आपने जो डायग्राम है इसको भी आपने ड्रॉ करनी है, और ये आप यहाँ तक ही इसका आंसर लिखेंगे। द एक्वेटिक प्लांट गेट द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द वाटर। इसका आप आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, कि गैसियस एक्सचेंज जो है इन प्लांट्स के अंदर किस तरह से होती है। थ्रू स्टोमेटा के ज़रिए से होती है, और जो लीव्स हैं और यंग स्टेम हैं स्टोमेटा इन द एपिडर्मिक्स, इसके अंदर स्टोमेटा होते हैं, और इनके ज़रिए से इनके अंदर जो है गैस एक्सचेंजेस होती हैं। और इसके अंदर लेंट्रिकल को बारे में भी आपने बताना है, डिस्कस करना है कि किस तरह से प्लांट्स के अंदर जो है गैसियस एक्सचेंज जो होती है, रेस्पिरेशन जो होती है वो किस तरह से होती है। और ये डायग्राम जो है लेबल डायग्राम, इसको भी आप ड्रॉ करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन आपने लिखना है पेज नंबर 2 और 3 पे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका ये सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके बारे में स्टडी किया है कि हाउ डू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद द एनवायरमेंट, जो हमें क्वेश्चन का आंसर जो था हमें पेज नंबर 2 पे मिला था, और 3 पे भी इसका आंसर है। और इस तरह से आपने इसका जो सोल्यूशन है वो लिखना है, रिटन फॉर्म में आप लिखते जाएंगे साथ साथ।